नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आज बात करने वाले हाइड्रोलिक सिलेंडर्स पे हम बात करेंगे, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली एक एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैसे वर्क करता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर कैसे वर्क करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ जाएंगे। एनिमेशन पे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हो या नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइए और साथ साथ बेल की घंटी दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए, नोटिफाइड रहेंगे आप हम कोई भी वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप सीख जाओगे इस एनिमेशन पे। तो ध्यान से देखिएगा एनिमेशन, काफ़ी अच्छा डिटेल्ड वे में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या है। तो चलिए एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर से। आप देख सकते हैं ये जो आपकी स्क्रीन पे है, ये है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है, आप देख सकते हैं पिस्टन रॉड जो है वो बैरल के अंदर होगी और इसमें हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे सील लगी होंगे और ऊपर के साइड पिस्टन के बैरिंग्स लगी होती। सील प्रिवेंट करता है लिक्विड जो है हमारा वो जिधर जाना है उधर ही जाए, रिलीज़ होके कुछ वो होके ऊपर की तरफ ना चला जाए। तो देखिए, हमने रेड कलर से होल्स मतलब लूप होल्स के द्वारा हमने क्या किया, रेड कलर की जो मार्किंग है ये हाइड्रोलिक ऑयल है, इसको हम प्रेशर हैंड पंप से रिलीज़ करा रहे हैं ऑयल को और इसके द्वारा पिस्टन आपका ऊपर जा रहा है। आप ये मैनुअल सिस्टम है, ये एनिमेशन में मैनुअल सिस्टम दिखाया गया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या और कोई भी सिस्टम हो तो आप उसका इस्तेमाल करके हाइड्रोलिक ऑयल को इन करा सकते हैं। तो रेड कलर से जो मार्किंग है ये हाइड्रोलिक ऑयल इन करा रहे हैं हम। तो जब हाइड्रोलिक ऑयल इन कराते हैं तो आपका पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में एक ही रास्ता होता है इन और आउट का, तो अभी प्रोसेस इन का है और जब हम आउट कराएंगे, जैसे कि अगर हम अब आउट कराने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें नीडल रिलीज़ वाल लगेगी। एक वाल लगती है जिसको हम रिलीज़ करेंगे तो इसमें नीडल रिलीज़ वाल लगाई गई। जैसे इसको हम खोलेंगे तो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक ऑयल हमारा आउट होके वापस टैंक में चला गया और पिस्टन में थोड़ा सा वेट होता है, मास होता है, तो पिस्टन जो है ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो नीचे की तरफ आती है। तो उस मास के द्वारा ही आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो जो इन हो जाता है, उसके बाद वो प्रॉपरली आउट होके वापस आपके टैंक में चला जाएगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर किस तरीके से वर्क करता है। तो इस तरीके से इन होगा आपका हाइड्रोलिक ऑयल और इस तरीके से आउट हो जाएगा। तो इसमें पिस्टन के थ्रू सहारे ही होता है, पिस्टन पे वेट होता है, इसलिए वो हाइड्रोलिक ऑयल जो है नीचे की तरफ पुश होके आ जाता है। अब दोस्तों, स्क्रीन पर आ गया है आपके डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो लूप होल्स होते हैं, आप देख सकते हैं दो डायरेक्शन होंगी, है ना, और उसके बाद आप देख सकते हैं पिस्टन यहाँ पे क्या क्या होगा। पिस्टन की साइज़ जो होगी वो थोड़ा कम होगी, साथ में लगा होगा आपका सील, बैरल, बेयरिंग्स और एक और सील अपर डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो आपका सिस्टम है ये दो चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ से हाइड्रोलिक ऑयल इन होगा और एक तरफ से आउट होगा, इसलिए इसमें दो बैरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें लगी है, फोर वे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, चार रास्तों वाली डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व आपके इसमें लगी है। कंट्रोल वाल्व्स के बारे में पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था तो उसमें आपको पता चला होगा कि डायरेक्शनल वाल्व कैसे वर्क करता है। तो इसमें दोस्तों हमने लगाया है फोर वे डायरेक्शनल वाल्व लगता है इसमें। तो किस तरीके से वर्क करता है, अभी इसमें हैंड पंप के थ्रू ही जो आपका प्रेशर पंप है वो हैंड के थ्रू, रेड कलर से आप देखिए इनपुट करा हमने और इधर से ब्लू कलर से आउटपुट हो रहा है जो पहले से हाइड्रोलिक ऑयल उसमें फीड था। तो जैसे जैसे ये इन करेंगे तो हमारा जो ब्लूइश मार्क से आउट होता रहेगा। आप देखिए जैसे जैसे हम इसको इन करते जाएंगे यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल रिलीज़ होकर वापस टैंक में आता जाएगा। तो इस तरीके से हम बार बार इसको हैंड पंप को प्रेशर दे के हम अपने पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ऐसा होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर में। अब अगर हमने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को घुमा दिया, अब देखिए आप डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को हमने जैसे घुमाया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब ये अपोजिट फंक्शन करने लगेगा। अब देखिए ऊपर से रेड कलर का जो मार्क है ऊपर से हम हाइड्रोलिक ऑयल को डाल रहे हैं और ये सिंपल नीचे से ये रिलीज़ होता जा रहा है और हमारा पिस्टन जो है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आता जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग कैसे वर्क करता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए और जुड़ जाइए प्लास्टोटेक से।